हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर यार एक पीट्रॉन के नेक बैंड की वीडियो बनाई थी। बहुत ही कम प्राइस पे आपको वो जो नेक बैंड मिलते हैं 500 रुपए करीब, अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है जाके चेक कर लेना। लेकिन उस वीडियो के बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि यार टेंजन के न्यू यहाँ पर नेक बैंड भी आए हैं, टेंजन बीट्स, तो उसका भी रिव्यू करो। तो मैंने मंगा लिया यहाँ पर पीट्रॉन टेंजन बीट्स। ये भी यार नेक बैंड है और वायरलेस नेक बैंड रहेंगे ब्लूटूथ, और ये भी यार काफी बजट प्राइस में आपको मिलते हैं। और इन टेंजन बीट्स का जो प्राइस है वो है 699 रुपए, तो ये भी यार काफी अच्छे खासे प्राइस पे लॉन्च हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे और यहाँ पर मैं बताऊंगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो सबसे पहले जो बॉक्स है वो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, दिख जाएगा आपको कि किस तरह के आपके ये जो नेक बैंड है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पीछे की तरफ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गई है। तो यहाँ पर ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ब्लूटूथ नेक बैंड मिल रहे हैं। 10 मीटर की यहाँ पर रेंज रहेगी, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 110 mAh की। तो टेंजन लाइट में आपको 150 mAh की बैटरी दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको 110 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन जो प्लेबैक टाइम है वो यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर प्लेबैक टाइम आपको मिलेगा 6 घंटे का, टॉक टाइम यहाँ पर 7 घंटे का, तो थोड़ा सा बेटर ही है यहाँ पर। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 1.5 आवर्स का। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी हद तक सिमिलर है टेंजन लाइट की तरह, लेकिन आपको यहाँ पर जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी उसे चेक करेंगे कितने हद तक ये टेंजन लाइट से बेटर है। तो अब जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे नेक बैंड टेंजन बीट्स। और तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख जाएंगे आपके जो टेंजन बीट्स हैं वो कैसे हैं। मैं इसको इसके बॉक्स से यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। और इसकी भी जो यार बिल्ड क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार मैं इसको साइड में रखता हूँ, बाकी एक बार बॉक्स की कंटेंट देख लेते हैं। उसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है, और ये है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, तो जिसकी मदद से आप इस नेक बैंड को चार्ज कर पाएंगे। उसके अलावा बॉक्स में आपको 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स भी दिए गए हैं, तो जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल दिया गया है बॉक्स में, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी कैसे आपको इसको पेयर करना है, इसकी फंक्शनलिटीज़ वगैरह है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो थे यार बॉक्स की कॉन्टेंट। अब आ जाते हैं हमारे नेक बैंड की तरफ। तो ये है हमारे पीट्रॉन टेंजन बीट, और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिज़ाइन है टेंजन लाइट से थोड़े डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसके बैंड की बात करूं, तो जो नेक बैंड है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और जैसा आप देख सकते हो कि ये जो बैंड है ये सिलिकॉन बैंड है, तो आप इसको अपने नेक के अराउंड पहन सकते हैं, तो काफी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है इस बैंड की भी वो भी काफी अच्छी है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। पीट्रॉन टेंजन लाइट में आपको यहाँ पर फ्लैट तरह का डिजाइन दिया गया था, यहाँ पर कुछ सर्कुलर टाइप डिजाइन है, लेकिन यहाँ पर ये आपको सिलिकॉन बैंड मिलता है, तो इसको आप इस तरह से रोल करके अपने बैग वगैरह में भी डाल सकते हैं, वो काफी सही चीज है। उसके बाद राइट साइड में जैसा आप देखेंगे यहाँ पर पीट्रॉन की ब्रांडिंग है, कैप्सूल टाइप का यहाँ पर डिजाइन है, और जो फिनिशिंग है वो भी काफी अच्छी खासी है। और लेफ्ट साइड में जैसा आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप जो म्यूजिक है प्ले पॉज कर पाएंगे, नेक प्रीवेस कर पाएंगे, साथ में वॉल्यूम घटा बढ़ा पाएंगे। और फ्रंट में आपको यहाँ पर एक माइक भी दिया गया है। उसके अलावा इस नेक बैंड को अगर आपको चार्ज करना होगा तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है जिसकी केबल आपको इसके बॉक्स में दी गई है। उसके बाद में अगर ईयरबड से पहले यहाँ पर वायर की बात करूँ, तो वायर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दी गई है। टेंजन लाइट में आपको फ्लैट वायर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वायर है उसकी जो थिकनेस है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है। उसके बाद में अगर आऊँ यहाँ पर अपने ईयरबड्स की तरफ, तो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो ईयरबड्स हैं ये भी मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, तो ये चीज़ है देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि आपको बजट प्राइस में यहाँ पर मैग्नेटिक ईयरबड्स दिए गए हैं। और इसकी भी क्वालिटी है वो यहाँ पर मेटल की है, तो ये भी यार काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। उसके बाद में अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसमें भी आपको 10 mm का ड्राइवर दिया गया है और इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है। और इस नेक बैंड में एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो इस प्राइस पे वैसे देखने को नहीं मिलता, और वो है ड्यूल पेयरिंग का सपोर्ट। तो यानी आप दो डिवाइसेस पे इसको एक साथ पेयर कर पाएंगे, तो ये मुझे यार काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो ओवरऑल यहाँ पर टेंजन बीट्स हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 700 रुपये में आपको ये मिलते हैं। अब एक बार मैं इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, इसके जो फीचर्स वगैरह देखेंगे, और उसके बाद मैं बताऊँगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो अपने फोन से इस नेक बैंड को पेयर करने के लिए आपको यहाँ पर जो बीच वाला बटन है उसे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। उसके बाद ये जो नेक बैंड है ये पेयरिंग मोड पे आ जाते हैं, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो LED लाइट है वो ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। उसके बाद अपने फोन में जो ब्लूटूथ है उसे ऑन कर लीजिए, और यहाँ पर जो पीट्रॉन टेंजन बीट्स है यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक कर लीजिए और ये जो नेक बैंड है आपके फोन के साथ पेयर हो जाएगा। तो नेक बैंड तो हमारे फोन के साथ पेयर हो गया। अब एक बार जो इसकी फंक्शनलिटीज है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो सॉन्ग प्ले पॉज करने के लिए आपको जो बीच वाला बटन है उसे शॉर्ट प्रेस करना होगा। यहाँ पर सॉन्ग है वो प्ले हो गया, वापस से पॉज करने के लिए दोबारा से प्रेस करना होगा, ये जो सॉन्ग है पॉज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए आपको जो प्लस का बटन है उसे थोड़ी देर होल्ड करके रखना होगा, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाएंगे।
वापस से प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो माइनस का जो बटन है उसे थोड़ी देर होल्ड करके रखिए तो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम घटाना बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर प्लस या माइनस का बटन है उसे यूज़ करना होगा। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी है उसे एक्सेस करना है तो जो बीच वाला बटन है उसे थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना होगा तो आप यहाँ पर गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी है उसे यूज़ कर पाएंगे। तो नेक बैंड की जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है और यहाँ पर जो बटन है वो भी काफ़ी क्लिकी है। अब मैं इस पर थोड़ी देर म्यूजिक वगैरह सुनूंगा, थोड़ी देर वीडियोस भी देखूंगा और कॉल्स वगैरह लूंगा, उसके बाद बताऊंगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो गाइस फाइनली काफी देर तक ये जो नेक बैंड है इसे टेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो ये जो नेक बैंड है ये काफी कंफर्टेबल है। अगर आप अपने नेक के अराउंड इसको काफी देर तक पहनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद मैं यहाँ पर इनके ईयरबड्स की बात करूँ तो इनका जो साइज है वो भी काफी छोटा सा है और इसका जो वेट है वो भी काफी लाइट वेट है। तो काफी देर तक अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको इन ईयर टाइप का डिजाइन मिलता है तो जो नॉइस कैंसिलेशन रहती है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन वो भी काफी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल इस नेक बैंड का जो कंफर्ट लेवल है मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा खासा है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की तो जैसा इसका नाम है पीट्रॉन टेंजेंट बीट्स तो इनमें आपको जो बेस है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अगर आप बेस हेड हैं बेस सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको जो बेस है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर जो बेस है वो थोड़ा इनहेंस है लेकिन मुझे यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई डिस्टॉर्शन सुनने को नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पर मिड हाई और लो फ्रीक्वेंसीज की बात करूँ तो वो जो सेपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पर साउंड क्वालिटी को कंपेयर करूँ टेंजेंट लाइट से क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी हद तक सिमिलर है तो 500 रुपये में जो टेंजेंट लाइट आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो वहाँ पर आप कैजुअल म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेकिन पीट्रॉन टेंजेंट बीट्स में आपको जो साउंड क्वालिटी है थोड़ी सी और बेटर मिलती है तो अगर आप 200 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो यहाँ पर पीट्रॉन टेंजेंट बीट्स है म्यूजिक के लिए काफ़ी अच्छे खासे हैं। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस नेक बैंड में आपको ड्यूल पेयरिंग का भी फीचर दिया गया है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सही है। तो मुझे भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस स्विच करने में तो ये यार काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वीडियोज़ भी देखी हैं और वहाँ पर मुझे किसी तरह का कोई लैग देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं वीडियोज़ देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसकी कॉल क्वालिटी की तो मैंने इस पर एक दो कॉल्स वगैरह ली हैं और वहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी डिसेंट है। इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है तो कॉल के लिए भी ये जो अब टेंजेंट बीट्स हैं ये काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो ओवरऑल इसके जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है फीचर्स हैं या फिर बिल्ड क्वालिटी भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर आपको ये जो पीट्रॉन के टेंजेंट बीट्स हैं इसे खरीदना होगा मैं इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगे ये जो पीट्रॉन के टेंजेंट बीट्स मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारे चैनल पसंद आए आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।